अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 को अपना कवर किया था। उसके बाद अब हमारी एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे पावर्स के। सबसे पहले इस टॉपिक का जो नाम है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस है। एक्सपोनेंट हम पहले ही बता चुके हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? कोई भी बेस के ऊपर इस तरीके से ये जो हमारे पास ए लिखा हुआ है इसके ऊपर जो इसकी पावर है 2 और ये 5, इन सबकी जो पावर्स गिवन है इन्हें हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली लॉज पढ़ेंगे हमारे एक्सपोनेंट्स के। तो सबसे पहले लॉ जो कहता है हमारा, हमें इनको याद नहीं रखना कि कौन सा लॉ क्या कहता है, मतलब कौन सा लॉ है इसका नाम याद रखना, ऐसा नहीं। सिर्फ हमें लॉज की जो कंडीशन है, जो उसके रूल्स हैं वो समझ लेना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। इसका मतलब यह है सिंपल जबान में, बेसिस, अगर बेसिस हमारी सेम होंगी तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए का स्क्वायर ए की पावर 2 है इंटू ए की पावर क्या है 5 है, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिस क्या है, दोनों की सेम है, बेसिस क्या है ए है, और पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ ऐड करके लिखा है ए की पावर 2 प्लस 5, तो ऐड होकर ए की पावर 7 हो गई, ठीक है। पहला रूल क्या है, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक बेस के ऊपर कोई पावर और फिर उसके ऊपर कोई पावर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि वो एक ही बात है पावर की। यानी इसका मतलब ए ए एक्स है, ठीक है, यानी ए की पहली पावर एक्स है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाई है, तो ये दोनों पावर एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा है 5 की पावर 2 × 3, मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम कर दूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ 5 की पावर 2 और फिर बाहर 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 × 2 = 6, तो 5 की पावर 6 आ गई। सर ये थर्ड हमारे पास ये कहता है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि अगर मेरे बेस के ऊपर ब्रैकेट के बाहर, यानी मेरी बेस है और बेस के अंदर 1 से ज्यादा कोई एलिमेंट्स है, ए बी सी डी है, और उसके ऊपर मेरी कोई पावर गिवन है, ठीक है, तो वो पावर जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है ना वो सारी इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर पावर आएगी। यानी यहाँ एक्स और वाई के ऊपर होल पावर 3 है, तो ये एक्स के ऊपर भी क्यूब है और वाई के ऊपर भी क्यूब है। एग्जाम्पल यहाँ पे 5 7 दी हुई है और होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर 5 के साथ भी है और ये स्क्वायर 7 के साथ भी है, ठीक हो गया। फिर चौथा हमारे पास कहता है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वेश्चन। इसका मतलब है कि हमारे पास सेम वही, अब वहाँ पे क्या था ब्रैकेट में, मतलब यहाँ ऊपर वाली कंडीशन थी कि ब्रैकेट में सिर्फ सामने एक नंबर लिखा था, यहाँ पे डिवीजन वाली कहानी आ गई, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे पावर्स क्या होंगी सेम होंगी। अब यहाँ पे ए अपॉइंट बी और होल ब्रैकेट के बाहर क्या है एन है, तो ये एन जो है वो ए की भी पावर है और ये बी की भी पावर है। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है 8/5, ठीक है, 2/3 और होल ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ये 8/5 के ऊपर भी 3 है और 2/3 के ऊपर भी पावर 3 है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर, इसका मतलब है कि हमारे पास, अभी हमने ऊपर डिस्कस तो कर लिया कि भाई जो हमारे ब्रैकेट के बाहर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों, मतलब ऐसे अपॉन वाली वैल्यूज में दोनों के लिए पावर सेम है। अब इसकी और मजीद अगर हम इसको अच्छे से देखें तो क्या होगा, अब मेरे पास इस वाली, ये वाली कंडीशन के लिए ना लास्ट वाली क्या होना चाहिए, मेरे पास बेसिस सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे ए अपॉन ए की पावर एम है डिवाइडेड बाय ए की पावर एन है, तो मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ, ए की पावर एम इन टू में ए की पावर ए को, ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाली साइड है ना, ये मैं इसको ऊपर लेके आ गई हूँ, नहीं मेरे पास ऊपर आने के बाद क्या हो गया, ऊपर आने के बाद ये नेगेटिव साइन में चला गया, माइनस एन हो गया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ए इक्वल ए की पावर एम प्लस माइनस एन हो जाएगा, तो एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं आसान जबान में नंबर्स की फॉर्म बताऊँ तो 2 की पावर 5 थी और नीचे 2 की पावर 3 थी, बेसिस दोनों की सेम है, बेसिस दोनों 2 है, ठीक है ना, तो मैं ये 2 की पावर 3 वाले टर्म ऊपर ले आती हूँ तो क्या हो जाएगा, -3 हो गया यहाँ पे, और इसको फिर बाद में बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस 5 - 3 = 2, तो 2 की पावर हो गई 2। अब ये वाली जो कंडीशन है ये कब लाई करती है, इफ एम ग्रेटर देन एन हो, यानी कि जो ये ऊपर बेस की ऊपर जो पावर है न्यूमिनेटर साइड में जो बेस की पावर है अगर वो नीचे वाले डिनोमिनेटर की बेस की पावर से बड़ी हो, ठीक है ना, तब ये वाली कंडीशन एकदम हम इतना करते हैं। पर अगर हमारे पास एम लेस देन एन हो, यानी एम छोटा हो एन से, हम क्या करते हैं, हम एम ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर है उसको हम बेस नीचे डिनोमिनेटर की साइड पे ले आते, तो वो क्या हो जाएगा फिर माइनस एम हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस एम। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो एग्जांपल है 2 की पावर 3 थी और यहाँ 2 की पावर 5 है, तो बड़ी वाली पावर कौन सी है डिनोमिनेटर वाली, तो मैंने क्या किया 2 की पावर 3 को मैं नीचे ले आई, -3 कर दिया, बेसिस सेम पावर एड, तो 5 - 3 हो गया, क्या हो गया 1 की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज समझने वाली जो ये है, ये ऊपर वाली में लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन वाली लाइन में, ये जहाँ पे मेरा एरो कर्सर जा रहा है, इसके अंदर जैसे कि 8/5 का होल ब्रैकेट 3 है ना, तो ये 3 8 पे भी है और ये वाला जो 3 है ये 5 है, यानी कि पूरे होल ब्रैकेट के ऊपर पावर है, 8 की भी पावर 3 है और 5 की भी पावर 3 है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद कुछ और इसके रूल्स हैं समझने वाले, वो ये है हमारे पास कि ए की पावर, जैसे यहाँ पे लिखा है कि -a है, यानी अंदर माइनस के साथ कोई नंबर लिखा और उसकी पावर n है। अब n अगर इवन नंबर है ना, यानी यहाँ कोई 2 है, तो ये माइनस के साइन हट जाएगी, क्योंकि क्या होगा माइनस माइनस यहाँ पे जैसे लिखा है, जैसे -2 है और उसकी पावर स्क्वायर है, क्या है इवन नंबर, इवन नंबर इसकी पावर है, तो क्या किस तरह लिखेंगे पावर्स को इस तरह मल्टीप्लाई कराते हैं ना, -2 × -2 जितनी पावर होती है उतनी दफा उसको मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास -2 × -2 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मेरी अंदर की जो चीज़ होती है ना वो पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन अगर मेरे जो पावर है वो ऑड नंबर है यानी 3 है, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये एट दी एंड आंसर किसमें आएगा नेगेटिव भी ही आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि -a है, और अगर उसकी n की पावर है और n पावर ऑड है तो वो वापस से -a ही बनेगा, यानी आंसर जो उसका आएगा वो
नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा, ठीक है ना, अगर अंदर नेगेटिव साइन है। और तीसरी एक ये पॉइंट है कि अगर हमारे कोई भी एलिमेंट या किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो वो हमारे पास वन हो जाती है। अगर किसी के ऊपर जैसे ए लिखा हुआ है, खाली से ए लिखा है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो वो पावर तो हमारे पास वन होती है। बट अगर इस तरह से है एक्स की पावर जीरो लिखा हुआ है सामने, या 30 या कोई भी नंबर की पावर जीरो लिखी, तो वो किसके बराबर हो जाती है, वन के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ कॉन्सेप्ट है बेसिक एक्सपोनेंट्स को लेकर जो हमारे फिलहाल क्लियर हो चुके हैं।